तो दोस्तों ये वीडियो ना सच्ची घटना पे आधारित है। अगर हमारी एक्टिंग बढ़िया लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दियो। बहू ओ बहू कहाँ मर गई तू? जी माँ जी। महारानी टाइम देखा तूने? हम लोगों ने अभी तक चाय नहीं पी, तू अभी तक की पड़ी सो रही। माँ जी कल रात मेरी तबीयत खराब थी इसलिए रात में देर तक सोई थी, और इसी मारो सवेरे मेरी आंख नहीं खुली। यो सही, आजकल की लड़कियों का रिश्ते के टाइम पर घर वाले बोलते हैं हमारी लड़की तो सरोगुण संपन्न है, और जहाँ इनकी शादी हुई काम ना करने के बहाने शुरू हो जा। घर का काम तेरा बाप करेगा, जल्दी जा चाय नाश्ता बना कला। जी माँ जी अभी लई। अरे भाग्यवान, इसकी शादी को भी एक हफ्ता नहीं हुआ और तू इसे भीत ऐसे सी कहने लगी, अच्छी बात नहीं आया। तुम अपने काम से काम रखो, ये आजकल की लड़कियां ना अगर इन्हें शुरू से कंट्रोल ना करे तो ये सिर पर चढ़ जा। ऊपर वाले तो डर, जैसा तू बहू के साथ कर रही तेरी भी तो लंडी, अगर कल को उसके ससुराल वाले उसके साथ ऐसा ही करने लगा तो तेरे पर क्या बीतेगी फिर? और हमारी बेटी की शादी को भी तो थोड़े ही दिन हुए। कोई मेरी लंडी का हाथ तो लगा कर दिखावा, मेरे जिगर का टुकड़ा टांग पर टांग धर कर चीर दोगी वारे को। जो भी था किसी के जिगर का टुकड़ा, वक्त है भी सुधर जा, ऐसा ना हो कहीं बाद में पछताना पड़े, क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा ना उसे उसका ऐसा ही फल मिलेगा। लो जी ए बहू। बहू जी माँ जी। ए क्या बनाया आयो? अजी बैंगन का भुर्ता बनाया था माँ जी। वो तो मुझे भी दिख रहा, लेकिन इसमें ना नमक ना मिर्च। रे अल्लाह की बंदी, हर टाइम ना नाक के चौके लगाया कर, ठीक तो इसमें नमक मिर्च? तमें ढेर पता खाने पीने का, तम इसे कुछ कहन भी दिया करो, सिर पर चढ़ा रखी। मारा तो दिन ही खराब था जो इसे पसंद करके आए थे। ना इस पर सब्जी बनानी आवे, कुछ भी काम नहीं आता इस पर। तमें तो बस मुझे सुनानी, कभी सब्जी में नमक तेज बताओ, कभी कम बताओ, करूँ तो मैं ही क्या करूँ? क्या करूँ? किसी दिन मेरी लोंडी के हाथ का पक्का हुआ खा कर देख, ये प्लेट चाटती रह जाएगी और तुझे नमक मिर्च का पता लग जाएगा। तुझे कुछ और काम नहीं रहेगा सिवाय बहू पे बोलने के। अजी तुम चुप रहो, तुम ना बीच में बोल ला करो मारे। ए खड़ी भी अंखा क्या दिखा रही, चली न ठा हम निखा पूरे। बहू ए बहू खड़ी हो जल्दी। जी माँ जी। टाइम देख ले क्या होएगा, 10 बज गए तू अभी तक पड़ी संडार रही है। काम कौन करेगा घर का? तेरे घर वाले आओगे, मैं कपड़े पड़े वहाँ सारे, मैं बाजार में जा रही सामान लेने, हर बता रही इतना सारा काम निपटा ली, रोटी बना ली और मैं कपड़े भी धो दिए। ठीक है जी, कभी बैठ जाए वहां से, पड़े रहा सारे दिन, नाक खत्म कर दिया। बहू ओ बहू पता नहीं कहाँ मर गई, बिल्कुल ही काम चोर बहू मिली। मारी तो किस्मत ही खराब है जो यह मनहूस बहू मिली। जी माँ जी। जी माँ जी की बच्ची तुझे दिख नहीं रहा, तू अंधी। मैं भी मार्केट था ही, मेरे लिए खाना ला जल्दी। जी माँ जी बस 10 मिनट रुक जाओ, वो रोटी नहीं बनी अभी तक की, वो गैस चूल्हे में पता नहीं क्या हो रहा था, चल इन रहा था, इस मारो रोटी बनाने में देर होएगी। हाँ हाँ खराब तो होना ही था, जब तेरे बाप ने दिया ही ऐसा। दहेज का कोई भी सामान अच्छा नहीं है, और दहेज में दिया ही क्या सामान, आज के टाइम में इससे ज्यादा तो सब्जी वाला दे दे। थारी तो किस्मत ही अच्छी थी जो तुम्हें हीरे जैसा लड़का मिल गया, ऊपर वाले का शुक्र अदा करो। माँ जी मेरे बाप ने सब कुछ तो दिया था, मैं अपनी हैसियत तो बढ़कर ही दिया, लेकिन आपको तो बस मुझे सुनाना, हर काम में मेरी गलती काटनी। तू जवान लड़ाओगी मेरे ताए हाँ, गरीब घर की। क्या बात होगी माँ? होता क्या, देख ले से अपनी कल मुही को, इस तो रोटी मांगी थी मेरे तो, ऊपर तो जवान लड़ा रही, खाना तो क्या देगी। शर्म नहीं आती अपनी बहू को मार तो, या सब कुछ अपना छोड़ गए सिर्फ तेरे लियो, माँ बाप भाई बहन तूने क्या छोड़ा इसके लियो? बेटी क्या होएगा, क्यों रो रही हरिया, तेरे सिर में चोट किकर लगे? मेरे ससुराल वालों ने मेरे ऊपर बहुत जुल्म किए, नौकरानी जैसा सलूक किया मेरे साथ,
बात बात पे ताने मारते हैं, दहेज के भूखे हैं वो लोग। आज अगर मैंने एक जवाब दे दिया तो मुझे मारा और घर से निकाल दिया और तलाक की धमकी भी दी। इबाया समझ में, जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान को ना उसके पाप की सजा इसी दुनिया में मिल जा, इब्बी वक्त सुधर जा। बहू मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रही, मेरे तो गलती होगी, मैंने तेरे पर बहुत जुर्म करे, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं माँ जी।